एसपी ऑफिस पहुंचकर दीपक गोलिया नामक व्यक्ति ने बताया कि मेरी पत्नी मुझ पर चोरी और सास ससुर और मारपीट के झूठे आरोप लगाती है और जो कि निवास कोलासर संत फार्म के पास बताया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया युवक ने कि 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी और हमारे 2 बच्चे भी हैं जो अभी स्कूल जाते हैं। युवक ने बताया कि मैं इंदौर में रहकर मजदूरी का काम करता हूं जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, पर कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने मुझे अपने मायके जाने को कहा और जिस पर मैंने कहा कि चली जाओ लेकिन वापस जल्दी आ जाना। दीपक गोलिया का आरोप है कि उनकी पत्नी हमेशा उनसे चुरा के उनके पापा मम्मी को पैसे देती है जिससे वह आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। अब उनकी पत्नी उन पर चोरी और मारपीट करने के झूठे आरोप लगा रही है और पहले भी उनके पिताजी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जा चुका है जिससे वह बहुत परेशान है और वह पैसे की भी मांग कर रहे हैं जिससे न्याय की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी से न्याय की गुहार लगाई है। कौन सा माजू? जाटा। वो कहाँ से आयो? कोलर से आया। थाना कौन सा लगता है? कोलर थाना लगता है। क्या समस्या लेके आए एसपी साहब के पास? सर मेरी बीवी मेरी सर ड्यूटी रिपोर्ट डाल देती है चोरी की। सर किस बात की चोरी की? पायल बता रही है सर, मंगलसूत्र बता रही है, वो मतलब अपनी माँ के बता रही है, खुद के नहीं बता रही है, उसकी माँ के बता रही है, पायल बता रही है, मंगलसूत्र बता रही है, 10,000 रुपये बता रही है, उसके पिताजी 50,000 रुपये की 181 पे रिपोर्ट डाल रहे हैं मेरी ड्यूटी। मेरे से इंदौर थाना में उनने रनवा लिया है, तू 55,000 रुपये देगा तो ही तू बचेगा, नहीं मेरे से बोलते हैं अभी तो जो तेरे पे बात आई है तेरे बाप पे आएगी, तेरी माँ पे आएगी, तेरे भाइयों पे आएगी। अब आप बताइए सर मैं क्या? आपकी पत्नी आपके साथ भी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा सर उसके मतलब माँ बाप की बात पे बात मानने पर वो कर रही है, उसके माँ बाप बोलते हैं जैसा ही वो मतलब मेरे साथ में करती है। तो मतलब वो क्या चाह रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? वो इसलिए ये चाह रहे हैं मेरे साथ में कि मतलब इसका घर मिटाना है, मेरे बच्चों को मिटाना है। मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मैं 19 तारीख में इसी महीने में अभी 3 दिन पहले इंदौर थाना में मेरी बच्ची को दे आया था। मेरे बच्चे इंदौर में थे, 5 तारीख में मेरी बीवी आई मेरे पास में, मतलब इंदौर रहती थी मेरे साथ में, 7 महीने से रह रही थी, उसके वास्ते वो आई मतलब नवरात्रियों में कि मुझको घर जाना है, आ गई और आके उसने उसके माँ के घर पे ये भंडारा रोप दिया। मेरे से इंदौर थाना में बोल रही है मुझे 55,000 रुपये चाहिए, मेरे 80-85,000 रुपये रखे हुए थे वो सारे मेरे लेके आ गई, अब मैं आदमी हूँ उसका, वो मेरी पत्नी है, तो तुम बताइए सर पति किसको पैसा देगा? 2 बच्चे हैं मेरे, 1 7 साल का बच्चा है मोहिनी गोलिया उसका नाम है, सनराइज स्कूल में वो अपने पढ़ते हैं, मालवी नगर रोबोट स्कोर चौराहे पे उनका मतलब मैं इंदौर में रहता हूँ सर, हाउस कीपिंग का काम करता हूँ, 6,000 रुपये महीने से, तो 16,000 रुपये महीने से सर। आपकी पत्नी कहाँ रहती है? पास में रहती थी और अभी नवरात्रियों में आई वो, तो मतलब उसने बोला मेरे से मुझको घर जाना है, तो मैंने बोला भाई ठीक है, मैंने उसको उसने मेरे से पैसों की डिमांड के साथ जो आरोप लगा रही थी आपकी पत्नी, तब कहाँ थी वो? तब तो उसके घर पे थी, वहीं से लगाए उन्होंने। अभी मतलब नवरात्रियों में आई थी, तो नवरात्रियों में आने आप अभी एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने बोला हम देखते हैं इस प्रक्रिया को। मोनू नामदेव की रिपोर्ट।